भारत में कई विशाल मंदिर स्थित हैं, जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन मंदिरों में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो हजारों वर्ष पुराने हैं। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के इतिहास और मान्यताओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर को माना जाता है, जो अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़ा गया था। गोरी द्वारा तोड़े जाने के बाद एक बार फिर से मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन फिर इसे 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः 1585 ईस्वी में राजा टूडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। डॉक्टर एसएस भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में इस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया है। 18 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान कोलकाता की एशियाटिक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखा है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मुख्य मंदिर तोड़कर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। 1752 ईस्वी में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हारराव होलकर ने मंदिर की मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महाजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मुख्य परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने का छत्र बनवाया था। ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने ज्ञानव्यापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई। 1809 ईस्वी में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानव्यापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राजपूताना ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।